आप देख रहे गूगल बॉलीवुड और मैं हूँ आपके साथ जीनिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मित्रा नुशोक हथियारा दी स्टारकास्ट। तो आइए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं उनसे उनकी फिल्म के बारे में। तो हमारे साथ है दीप एंड महिमा। हाय, स्वागत है आप दोनों का गूगल बॉलीवुड में। थैंक यू सो मच जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। कैसा लग रहा है नई फिल्म आ रही है? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जी। जैसे कि फिल्म का टाइटल है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं लोग इससे प्रभावित होंगे कि हथियार यूज़ करने के लिए? नहीं, एक्चुअली की होता है कि मित्रों शौक हथियारों का, क्योंकि पंजाबी जो अजकल कल्चर है, जो साड़ी यंग जनरेशन है, उन्होंने बहुत शौक है गन कल्चर का कि साड़ी पिस्तौल होनी चाहिए, कोले गन होनी चाहिए है। बट कई बार होंगे कि जो शौक है कदों अत तो अंत वाल लै जाता है, यू नेवर नो। तो उसी तरीके साड़ी मूवी है कि थोड़ा शौक, थोड़ा पैशन कई बार तुम्हें इन्हें एक्सैसमेंट यानी कि ले जाने हो, तो पता नहीं लगता भी साड़ा एंड की होना है। तो वही साड़ी जो साड़ी कहानी है उसे अराउंड घूमती है कि जनरेशन अजकल जो पंजाब की है वो किधर जा रही है, उन्होंने अंत की है। सो इस तरीके का कुछ है मूवी। हम जानना चाहेंगे आपके रोल के बारे में। सॉरी, आई कैनॉट डिस्क्लोज वट इज़ माई कैरेक्टर, बट हाँ, इन्होंने जो बोला उससे मुझे एक लाइन ज़रूर याद आई है कि मित्रा ता शौक ले ही हथियार रख देने, मित्रा ता शौक ले ही हथियार रख देने, पर डर ले ही उन्हां दा नाम ही काफ़ी है। पंजाबी बढ़िया बोलता, मित्र ता शौक ले हथियार रख देने, मित्र ता शौक ले हथियार रख देने, मित्रा दा नाम ही काफ़ी है, डर दे वाह, खौफ ले वाह। बट जैसे कि हम किसी वीडियोस वगैरह में देखते हैं, तो जब गर्ल मिल जाती है गैंगस्टर को, तो उनका हथियार का शौक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है इस फिल्म का कॉन्सेप्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली नंबर एक तो ये गैंगस्टर की कहानी नहीं है, मित्रों शौक हथियारों का। ये पंजाब की एक आम लड़की है, जो आम लड़कों की, आप चाहे चंडीगढ़ की हों, चाहे पंजाब के किसी भी एरिए के हों, उन लड़कों की कहानी है। उनकी क्या मानसिकता है, वो क्या सोचते हैं पंजाब के आम लड़के। आप शादियों में जाते हो, आप मोस्ट ऑफ द देखा होगा कि जो लड़के हैं उनको बड़ा शौक होता है कि किसी दोस्त की शादी हो तो गन चलानी है, पिस्तौल चलानी है। एक टशन है पंजाब के लड़कों में, चाहे वो गानों से सुन सुन के वो उनको यूज़ टू हो चुके हैं उस चीज़ के लिए, या वैसे टशन के लिए। लेकिन उसका एंड क्या है वो हमें पता नहीं रहता है। कि अभी तो थोड़े दिन पहले किसी उसमें आया था कि किसी एक शादी में किसी लड़की की डेथ हो गई, किसी फोटोग्राफर की डेथ हो गई, हाँ गोली, हाँ चक्री। आपका तो टशन टशन रह गया, लेकिन दूसरे की लाइफ तो आपने ख़त्म कर दी ना। तो आपका टशन, आपका पैशन दूसरे बंदे को कहाँ पे क्या ख़त्म कर रहा है, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो वही उसमें सारी हमारी कहानी है। दे आर नॉट गैंगस्टर्स, लेकिन आपका शौक, कि आपका शौक, खुद का शौक दूसरों पर भारी पड़ता है, और दूसरों पर भारी पड़ने के बाद आपकी फैमिली, उसकी फैमिली, आपके जो सराउंडिंग जो लोग हैं उन पर क्या बीतती है, आप उसका सोच ही नहीं रहे हो। तो उसी के ऊपर एक अपना मुद्दा लेकर हम लोग चले हुए हैं। जैसा कि आपने बात करी कि हाँ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि कहीं गोली लग जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी फिल्म का टाइटल है उसमें हथियार यूज़ है। तो जैसे अभी तो आप कह रहे हो कि फिल्म का कंसेप्ट कुछ अलग है, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिल्म का टाइटल थोड़ा अलग रखना चाहिए था कि तो क्या रखते कि मित्रों को शौक नहीं हथियारों का? ऐसा तो फिर कोई देखने नहीं आएगा अभी ये क्या टाइटल हुआ। चक्कर क्या होता है कि टाइटल शुड बी इम्प्रेसिव, ठीक है। आप अभी देखो टाइटल हुआ तो आप बात कर रहे हो ना, तो बात इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप टाइटल हमारा ऐसा है। लेकिन आप जब मूवी जाके देखते हो कि मूवी के अंदर अच्छा तो ये लोग ये बात कहना चाह रहे हैं, तो आपको मज़ा आएगा यार, नहीं ये सही बात है। अभी मैं जैसे पंजाबी अभी गाने भी थे मित्रों शौक हथियारों का, या और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जब हम रियलिटी में उस चीज़ को जाके देखते हैं कि आपका शौक टशन के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ यार मेरे को तो सारा टशन है पिस्तौल रखने का, टशन है आपको देख के लग रहा है यार दीप बड़ा टशन मार रहा है, लेकिन उसका एंड क्या है? जब आपको ये पता चलेगा यार, देन यू विल से कि नहीं यार ये बंदे सही कह रहे हैं, यार ये दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। तो वही हमारा है टाइटल, ठीक है मित्रों ने शौक हथियारों का, क्योंकि पंजाब में हर कोई हथियार रखने का शौकीन है, हर एक को चाहिए होता है यार मेरे गन लगी हो मेरे साथ, मेरे को पावर चाहिए, मेरे साथ बॉडी गार्ड होने चाहिए। लेकिन वो शौक आपको कहाँ लेके जा रहा है, उसका एंड किधर है? तो लाइक टशन की बात करें, तो आप दोनों को किस चीज़ का टशन दिखाने का ज़्यादा शौक है लोगों को? देखो टशन कुछ नहीं होता जी, टशन नहीं है मेरे को तो, एक्चुअली पता क्या है ही नहीं है, कोई टशन ही नहीं है, सच बोलूँ मैं कहाँ से टशन लाऊँ, है ही नहीं है सच में। We are very much grounded, कोई टशन ही नहीं है, देसी बंदे हैं, देसी बंदे हैं, मतलब चक्कर टशन ही है कि देसी बना। लड़कियों को तो ग्लैमर दिखाना होता है, मतलब लड़कियों को ये है कि वो ब्यूटीफुल लगे, लड़कों का क्या शौक रहता है? लड़कों का कोई शौक नहीं है, लड़कों को तो बस ये होता है कि खाने का शौक हो जाए, जिम चले गए और दोस्त बैठ के गप्पे मार ले उनके साथ, यही लड़कों के कोई ज़्यादा शौक होते ही नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं है। मेरे भी दोस्त हैं, हमारा भी अगर चार दोस्त इकट्ठे होते हैं पहले वो चल यार कुछ खान चलिए यार। We act with things with enthusiasm, that's it. We all are grounded.
अगर हम बात करें पंजाबी फिल्म्स की, तो कई फिल्म्स ऐसी आ रही थी अभी जो चल ही नहीं पा रही थी क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है, कई कुछ वेब सीरीज़ की वजह से पंजाबी सिनेमा या फिर नॉर्मल आप कह सकते हो सिनेमा इफेक्ट हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ डर है फिल्म को लेके? देखो डर होना लाजमी है, ठीक है, हम बोलते हैं कि नहीं यार हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट तो आमिर खान भी नहीं होता है, ठीक है, आप अपना काम करो, व्हाट आई फील कि आप अपना अच्छे से काम करो, मेहनत से काम करो, बाकी छोड़ दो ऑडियंस के ऊपर, अगर उनको अच्छी चीज़ लगी वो जाएंगे आपकी मूवी देखेंगे, अगर उनको नहीं अच्छी लगी वो नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपनी कन्विक्शन के साथ एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करो, उसका एक जुआ है, एक गैम्बल है मूवी, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मेरी मूवी ऐसी है वो, एंड लोग डिसाइड करेंगे कि मेरी मूवी कैसी है, वो जाएंगे थिएटर में, वो उसका रिव्यू वो करेंगे, यानी हमें ये कि हम जो चीज़ लेके चले हैं उसको अच्छे से मेहनत के साथ बना के उनके सामने ले आएँ, सो लास्ट जो जजमेंट है वो उनकी है, तो इसमें कोई वो रूल है ही नहीं है कि यार हमने मना दी, मतलब दी बेस्ट हमसे कुछ अच्छा करेगा ही नहीं, बहुत तोप पड़ी हमारे से बड़ी बड़ी, कभी चलती है कभी नहीं चलती, सच बोलूँ बात यही है सीधी। भाई मैं आप कैसा फील कर रही हूँ फॉर व्हाट फॉर फिल्म? येस मैंने पहले भी बोला आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड वी हैव वर्क टुगेदर इन जुगनी यारा दी ऑल्सो, तो दोनों ही मूवी रिलीज पे हैं, तो देखते हैं पहले कौन सी होती है। तो कोई सेट का ऐसा किस्सा जो आपको याद आता हो दोनों का साथ में, जो फनी मोमेंट हो? दोनों से जानना चाहूँगी। फनी एटलीस्ट सारा दिन हमारा फन भी निकलता था शूटिंग के ऊपर, तो उसमें से एक फन चुनना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि जुगनी यारा दी पूरा कॉलेज के पास है। हाँ, तू सुना दे। मेरे पास एक फनी मोमेंट है जुगनी यारा दी में, इनका एक सीन है जिसमें इनको चोट लगी है, तो मैंने हॉस्पिटल में मैं पूछने जाती तो मैंने चोट अच्छे से दवाई थी। हाँ। कि हाँ अभी आ रहा है मज़ा, ये है दोस्ती। तो मेरा फनी मोमेंट ये कि हमारा एक सीन था जिसमें हम लोग दारू पी के, जो प्रीत मेरे साथ में इसमें जुगनी यारंदी में कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ सीन है, मैं प्रीत और मंजीत तीनों दोस्त बैठ के दारू पी के हम कुछ बात करनी होती है, तो एक्चुअली क्या था कि तो मौसम ऐसा था, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर साहब ने बोला कि सच में दारू पीनी है तो आपको एक अच्छे से फील आ जाएगा, तो मैं भी, मेरे को लगा मजाक है, मैं हाँ जी भाजी मिल पी के कर लेते हैं, मुझे लगा शायद इनका कोई होता है डायरेक्टर का ट्रीटमेंट देने का कि भाई ये और अच्छे से निकल के आएगा, रियलिस्टिक लगेगा कैरेक्टर, तो उन्होंने सच में पैग मंगवा लिए, तो मैंने सूंगी, मैं भाई असली है ना, हाँ, तो मैंने खड़ाक से उड़ा दिए, तो कहने सच्ची असली वाली है, मैं अभी तो गई अंदर, तो मैं ऐसा करो फिर एक और दे दो, तो अच्छे से कहने डायलॉग ना भूल जाए, अभी क्या हुआ कि ड्रिंक करने के बाद आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, और अभी वो मेकिंग के बाद हमने देखा सीन, तो यानी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते ना कि मेरा पता ना चल जाए कि मैंने दारू भी हुई है और एक्टिंग भी कर रहे हो साथ में, तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं फनी। देयर वाज वन मोर फनी मोमेंट, मुझे फिल्म में ना बुलेट चलाना था, तो बुलेट पे बैठे हैं मेरे साथ में दी पीछे, तो पीछे बैठ के वहाँ कैमरा रोलिंग है, मैंने संभाल नहीं, मैंने गिराना नहीं, मेरे को गिरा दिया, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, ये वो अगली फिल्म भी करनी है, दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट। मेरे गोडे टूट गए, मैं कहा मसा मसा उन फिल्म शुरू हुई ने साड़ियां भी तो लत्ता तोड़ा दे मेरी। नहीं ये लड़कों को हमेशा गलतफहमी क्यों रहती है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं रहती, इसलिए मैंने देखी हुई है, गलत फहमी नहीं है, मैंने देखी हुई है, बताएंगे बिकॉज मैंने बहुत अच्छा बोला। हमारे सामने अगर कोई गाड़ी क्रॉस हो जाती है हमें पता चल जाता है ये लड़की चला रही थी लड़का चला रहा था, पाजी सही बात कर रहा हूँ ना मैं, पाजी हंस रहे हैं, ये सच्चाई है, मतलब एक लड़की के साथ होकर ये ऐसा बोल रहे हैं और मैंने सच में बुलेट बहुत अच्छी बात है ना लड़की, देखो यार होन हर विद्वान के होन चिकने पात, तो ये भूल रहे हो आई एम अ जूडो ब्लैक बेल्ट प्लेयर, साथ ही खड़ी हूँ मैं तारीफ कर रहा हूँ, देखो दूर से पता चल जाता है वो लड़की है, वो लड़की गाड़ी चला रही है, बंदा बोला आपको कैसे पता, भैया होन हर विद्वान के होन चिकने पात, देखो कितने अच्छे से टर्न मार के कट मार के निकल गई है ना, हाँ तो लड़का होता बेचारा ब्रेक लगाता देखता रहता पहले पीछे से, लड़की आती ऐसी कुछ 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 कर दिया और बंदा ऐसे देख रहा होता भाजी आगे हो गया, लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट को मुड़ जाता है, मोस्टली होता है मुंबई में मैंने देखा है, लुधियाना में मैंने देखा है, तो इसलिए यू आर सेइंग ऑल दिस नॉनसेंस स्टैंडिंग विद अ गर्ल स्टैंडिंग विद अ कोएक्टर, तो अच्छी बात है ना, सच सच बोलना चाहिए। तो उन्होंने बुलेट चलाई सही से कि नहीं? नहीं नहीं बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छा चलाया। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो बताओ? मुझे पता नहीं जब टर्न लेना होता था टर्न ऐसा नहीं टर्न पूरा घूम के ही टर्न होता था 1200 सीसी की बाइक है तो फिर टर्न लेने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होता है, नहीं बिल्कुल होता है, मैं कहां कहता हूं मुश्किल नहीं होता है, तो मुश्किल तो उसके लिए होता है जो पीछे बैठा होता है, उसको अपने घुटने ऐसे लगे लेके बैठा होता भैया अब गिरे। अच्छा अगर आपको अर्जुन और परिणीति की तरह सीन दे दिया जाता है, बाइक भी चलाओ साथ में टाइटैनिक पोज भी दो, फिर क्या करते हैं? कर लेते हैं आराम से, करते हैं आराम से। ये चीज हुई है जुगनी आराधी में मेरे साथ, फिल्म देखेंगे तो रिवील होगा, हो सकता है मेकिंग में एडिट पे सर ने वो सीन कट भी किया हो,
बट एक्सपीरियंस तो लिया ही है उसका. टाइटैनिक पोज हवा में ऊपर देखने, एक्सप्रेशंस भी ऊपर दो. आसमान में बाइक हीरो ने चलाई है, मैं तो खड़े होके टाइटैनिक पोज देना था, दे दिया. इसलिए क्या होता है कि चलो ये तो हम मजाक में बातें कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि पूरा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, रिहर्सल्स होती हैं, सेफ्टी होती है कि कैसे क्या होता है, तो उसलिए इजी हो जाता थोड़ा सा करने के लिए. तो हमें तो टेक में दिखता है कि फाइनल टेक यार कितना मज़ा है, लेकिन उस टेक के पहले जो रिहर्सल्स हुई हैं उसके लिए क्या सेफ्टी उन्होंने कैसे कैसे यूज़ की हुई हैं, तो एक पूरा ढंग से वो लोग प्लान करते हैं. को भी एक मैसेज है कि प्लीज़ घर में ये चीज़ें ना अप्लाई करें, हमारी बहुत रिहर्सल्स और प्रैक्टिस के बाद हमने ये किया है, तो फनी ज़रूर है बोलने में बट रिस्क ना लें घर पर. अब आप दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं इसके बाद? एक तो हम हॉलीवुड की 2 फिल्में कर रहे हैं, है ना? कौन से? नाम नहीं बताएंगे अभी. सॉरी, जब उन्होंने बोल नहीं जब आपने नेम नहीं, वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम्स. व्हाट ही सेड, आप दोनों फिर से साथ में काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली. वाह, मतलब चेंजेस नहीं पसंद कि हमारा पेयर अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा. नहीं बिल्कुल करेंगे, इसके बाद भी जुगनी आना दी, अभी ये वाली हो जाएगी, इसके बाद कुछ और भी चल रही हैं. लेट्स सी कि क्या नया फ्लेवर लेके आते हैं आप लोगों के पास. तो ऐसी आपसे फिल्म मिल गई, फिर शरारतें होंगी, फिर बातें होंगी नई नई चीज़ों के लिए. लास्ट में एक मैसेज दे दो. मैसेज यही है कि यार पंजाबी मूवीज़ को आप देखते रहिए, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं मूवी बनाने के लिए, बहुत से लोग जुड़े होते हैं, बहुत से लोगों की मेहनत होती है, तो हमें बड़ा ईजी लगता है कि बोलना यार छड़ यार पंजाबी फिल्में क्यों देखनी है, क्योंकि हम लोग अपना खुद का सिनेमा प्रमोट नहीं कर रहे हैं. मैं इसी बात को पंजाबी में बोलूँगा, बिकॉज पंजाबी मूवी की बात कर रहा हूँ मैं. सानू पंजाबी मूवी देखनी जरूरी चाहिए है, क्योंकि हर जो साउथ की मूवी देखी है या बाकी देखी हो अपने सिनेमे में बहुत प्यार करते हैं, तो साडा भी दिल करता है भी साड़ी मूवीज़ में लोग अक्सैप्ट कर देख, तो उसके लिए सानू रैदर दैन पायरेटिड या DVD लिया के देखने नालों थिएटर जाके मूवी देखिए, क्योंकि वो कई लोगों के घर चलते हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं. जो तुम मूवीज़ देखोगे तो सू इंस्पीरेशन मिलेगी, असं होर चंगी चंगी मूवियाँ लेके आईए. सो रिक्वेस्ट यही है कि पंजाबी मूवी नूं वध वध प्रमोट करो, एप्रीशिएट करो, काम चंगा नहीं लगता सानू गाइड करो, सो दैट इन फ्यूचर असी होर वधिया लेके आईए चीज़ा, बट साढ़े नाल जुड़ो, सानू साढ़े नाल होंगे साड़ी एक स्ट्रेंथ बनती है, सो दैट इन फ्यूचर असी चंगे सब्जेक्ट लेके आईए. सो बी आर स्ट्रेंथ. सो यही है जो मैसेज दीप ने दिया है, मुझे भी वही सेम ही बोलना है. रिव्यू बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमें पता चले हमारी गलतियाँ क्या हैं और हम उससे क्या क्या बेटर और कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव उसको और कर सकते हैं. तो प्लीज़ हमारी पंजाबी फिल्में ज़रूर देखें, थिएटर तक पहुँचे, सो दैट हमें विल गेट अ बेस्ट रिव्यू, सो दैट विल डिलीवर द बेस्ट, विल गिव द बेस्ट.